अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रुकमानवीद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फूड सेगमेंट में फ्रूट चाट बनाना सिखा रही हूँ। फ्रूट चाट बनाना हमेशा इसलिए इजी रहता है कि आप इसमें अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग फ्रूट ऐड कर सकते हैं और फ्रूट की क्वांटिटी को भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी सबसे पहले नाशपाती, इनकी ये जो साइड्स हैं ये हम निकाल लेंगे और इनको दरमियान से कट करके इनके सीड्स को सेपरेट कर लेंगे। फ्रूट चाट की खूबसूरती ये होती है कि आपकी कटिंग की जो शेप्स हैं वो इक्वल रहनी चाहिए। ये जो आप मेरी फ्रूट प्लेट्स देख रहे हैं, ये वाली प्लेट्स मेरी 22 ईयर्स ओल्ड हैं। इन्हें मैंने सोदिया से परचेज़ किया था और आप देखें कि 22 साल तक इन्हें मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह नाशपाती कट हो गई है। ये देखें, इनको मैंने मीडियम साइज़ में कट किया है। चलिए, नाशपाती कट करने के बाद इस बॉल को करते हैं साइड पे और अब हम कट करेंगे सबसे पहले एप्पल। एप्पल को जब आपने कट करना है तो उसको फास्टली कट करते हैं, इनका जो कलर है बहुत जल्दी डल होना शुरू हो जाता है। ये इस तरह से आप स्लाइस कट करेंगे। स्लाइस कट करने के बाद मैक्सिमम इतनी क्वांटिटी पे, इतने साइज़ पे आपने इन्हें क्यूब बनाते जाना है। ये जी एप्पल कट हो गए हैं। एप्पल को आपने बड़े पीसेस में नहीं कट करना, यूँ देखे रैंडमली कट कर लें। और अब हम लेंगे फ्रूट को हैंड से उठाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये 2 स्लाइसेस रह गए थे, इन्हें बाद में कट करेंगे। अब आप ये एप्पल और नाशपाती को पहले मिक्स करेंगे। नाशपाती का भी ऐसा टेक्सचर है जो कि ख़राब हो जाती है और एप्पल का भी ऐसा ही टेक्सचर है, ये भी पड़ा हुआ ख़राब हो जाता है। अब इस फ्रूट को सेव करने की टिप ये है कि आपने एक लेमन लेना है। लेमन को यूँ दरमियान से कट करेंगे और इन्हें आप इस तरह से इनके ऊपर निचोड़ दीजिए। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हनी। हनी ऐड करने से भी फ्रूट का जो कलर है वो ब्लैक नहीं होता। 1 टेबल स्पून मीडियम साइज़ में आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये हनी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें मैंगो। आप इसमें कॉकटेल फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास मैंगो अवेलेबल है तो इसलिए मुझे मैंगो को आपने बड़े क्यूब्स में काटना है। इस तरह से हम इसको ट्रे में ऐड करते जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेप्स। ये देखिए, हनी लगने से और लेमन लगने से एप्पल और पियर का कलर अभी तक फ्रेश है, अदरवाइज इतने टाइम में डल होना शुरू हो जाते हैं। अब हमने इसमें मैंगो ऐड किया हुआ है, सो आप इन्हें सॉफ्टली चम्मच से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बनाना ऐड करेंगे। मुझे बनाना का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, सो मैं बनाना की क्वांटिटी को ज़्यादा रखती हूँ। ये जी हमने बनाना कट कर लिया है। अब हम इसको भी फ्रूट ट्रे में ऐड करेंगे। फ्रूट अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला 2 टेबल स्पून।
अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट चाट रेडी है। अब मैं आपको इसकी सर्विंग करना सिखाती हूँ। चाट मसाला आपने ऐड करने के बाद इसको मैक्सिमम 40 मिनट तक फ्रीज़र में रख देना है ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। फ्लेवर जितना अच्छा मिक्स हुआ होगा इसका जायका उतना अच्छा आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे खुबानी की चटनी। ये ड्राई खुबानी से मैंने चटनी बनाई हुई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ये आपको वहाँ से मिल जाएगी। ये चटनी बनाना मैंने पहले सिखाया हुआ है। इस खुबानी की चटनी के साथ फ्रूट चाट का जायका ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसे साइड पे करते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे काजू। काजू का जो साल्ट टेस्ट होता है, नमकीन फ्लेवर है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें ऐड करेंगे किशमिश। और इसके साथ ही हम इसमें कटिंग करके डालेंगे टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी आप दो कलर में ले सकते हैं, रेड भी एंड ग्रीन भी, बट मेरे पास आज सिर्फ रेड अवेलेबल है। और टूटी फ्रूटी कट करने की एक टिप ये है कि आप अगर इसे फ्रीज़ करके कट करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी कटिंग में आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्रूट चाट रेडी है। यू गिव मी फीडबैक एट कॉमेंट। इंशाल्लाह आपसे कल की वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।